Hi everyone, welcome back to my channel Deco Flawless. इस ड्रीम कैचर बनाने के लिए हमें चाहिए बर्ड फेदर्स जो कोई भी शेप साइज कलर के हो सकते हैं, दो डिफरेंट साइज के रिंग्स लिए हैं और मैंने बेबी पिंक एंड मजेंटा पिंक कलर उलन थ्रेड यूज कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं दोनों रिंग्स को गोल्ड स्प्रे पेंट से पेंट करूंगी और इसको 30 मिनट्स ड्राई होने के लिए रख दूंगी। तो ये ड्राई हो चुका है, अब टॉप पर उलन थ्रेड से 5 to 6 टाइम्स रैप करके टाइटली डबल नॉट लगाना है। तो अभी मैं डार्क पिंक को इस रिंग पर और लाइट पिंक को यहाँ पर अटैच करूंगी। फर्स्ट लाइट पिंक उलन को जितना आपको लेंथ चाहिए उतना मेजर करके 3 to 4 टाइम्स फोल्ड करना है इस तरह। और एक साइड पे कट करके दूसरे साइड पे छोटा सा लूप क्रिएट करना है एंड देन रिंग के पीछे लेकर बाकी फ्री एंड्स को लूप से बाहर निकालना है। तो इसे लॉक हेड नॉट कहते हैं। तो मैंने बाकी थ्रेड को भी कट करके लॉक हेड नॉट से रिंग को अटैच किया है और अब डार्क पिंक को भी जितना हमें लेंथ चाहिए उतना कट करके रिंग को अटैच करेंगे। तो सेम हमें यहाँ से यहाँ तक उलन को अटैच करना है। अटैच करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा और अब दोनों पार्ट्स को यू शेप में कट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सीजर्स। ये ड्रीम कैचर आप वॉल हैंगिंग की तरह यूज़ कर सकते हो लिविंग रूम में या फिर बेडरूम में, बहुत ब्यूटीफुल दिखता है और मैंने सिर्फ 100 रुपीज़ में ही इसको बनाया है गाइस। और इसको एनहांस करने के लिए मैं बर्ड फेदर स्टिक करूंगी। आप इस पे उलन को जो मैच होता है वो फेदर्स आप यूज़ कीजिएगा। अगर आपके पास बर्ड फेदर्स नहीं है तो आप इस पे उलन का फेदर्स बना के या फिर मैक्रमे फेदर्स आप यूज़ कर सकते हो। एंड लाइट पिंक एंड डार्क पिंक कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। जब भी आप कलर चूज़ करते हो इस ड्रीम कैचर बनाने के लिए लाइट कलर एंड डार्क कलर कॉम्बिनेशन ही लीजिएगा। एंड दिस इज हाउ आवर ब्यूटीफुल ड्रीम कैचर इज गोइंग टू लुक। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।